जापान और चीन के बीच कुछ द्वीपों को लेकर विवाद उतना ही पुराना है जितना कि उनका इतिहास। हाल ही में चीन और जापान के बीच ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। दरअसल जापान की एक स्थानीय परिषद ने हाल ही में चीन और ताइवान के बीच विवादित सेनकाकू द्वीप के इलाके में कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। जापान के टोक्यो के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेनकाकू द्वीप के पास ही एक द्वीप है जिसे जापान में टोनीशिरो और ताइवान में डीओएस नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के अनुसार इसी द्वीप का नाम बदलकर टोनीशिरो सेनकाकू कर दिया गया। आपको बता दें कि जापान प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक द्वीपीय देश के रूप में विस्तृत है। यहाँ के तकरीबन 6852 द्वीपों में से 430 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं, लेकिन इन 430 द्वीपों में से भी होक्काइडो, होंशु, शिकोकु, क्यूशु और ओकिनावा ही प्रमुख हैं। ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी नाम का एक शहर भी है। इशिगाकी सिटी काउंसिल के एक हिस्से को टेनोशिरो के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी संशय से बचने के लिए क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है। चीन की माने तो दियाओमु द्वीप और संबद्ध क्षेत्रों पर उसका अधिकार है। चीन ने आगे कहा कि इस क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति में बदलाव कर जापान चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि सेनकाकू द्वीप को ही चीनी डीओयू कहते हैं। सेनकाकू द्वीप ताइवान के उत्तर पूर्वी दिशा में पूर्वी चीन सागर में स्थित है। पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो चीन के पूरब में विस्तृत है। सेनकाकू द्वीप की अहमियत कई वजहों से है। दरअसल 7 वर्ग किलोमीटर में फैला सेनकाकू द्वीप कुल 8 निर्जन द्वीपों का समूह है। यह द्वीप निर्जन भले ही हो, लेकिन सामरिक और व्यापारिक नजरिए से इसकी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के व्यस्ततम शिपिंग रूट्स में से एक है। इतना ही नहीं, सेनकाकू द्वीप पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार भी मौजूद है। इस क्षेत्र पर जापान का दावा काफ़ी पुराना है। जापान के मुताबिक 19वीं सदी में ही 10 साल के सर्वे के बाद 14 जनवरी 1895 को जापान ने अपना झंडा गाड़ दिया था। इस तरह जापान ने इस क्षेत्र को अपना संप्रभु हिस्सा बनाया। समय के साथ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1945 से 1952 तक अमेरिकी सेना ने जापान का प्रशासनिक कामकाज संभाला, लेकिन 1951 में हुई जापान और मित्र देशों के बीच सैन फ्रांसिस्को संधि के बाद जापान और पश्चिमी देशों के बीच दोस्ताना पहल शुरू हुई और जापानी द्वीप अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों के संरक्षण में चले गए। इन द्वीपों में ओकिनावा प्रांत का सेनकाकू द्वीप भी था। सेनकाकू द्वीप 1971 तक अमेरिका के संरक्षण में रहा, लेकिन इसी साल ओकिनावा रिवर्जन एग्रीमेंट हुआ और सेनकाकू पुनः जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। दूसरी ओर चीन की माने तो प्राचीन काल में इसका ताइवान प्रांत इस द्वीप समूह का प्रबंधन देखता था। साल 2014 में अमेरिका ने स्पष्ट किया कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को भी कवर करती है। ऐसे में सेनकाकू द्वीप विवाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। राष्ट्रीय भावना दोनों देशों को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है, लेकिन इस पूरी कहानी में अमेरिका का रोल दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।